राजस्थान के धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुए हादसे में मृतकों की संख्या 2 पहुंच गई है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाने के बाद 5 गंभीर घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया था। जयपुर रेफर किए गए एक बुजुर्ग ने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में 4 घायलों का अभी भी इलाज किया जा रहा है। शनिवार सुबह बुजुर्ग के दम तोड़ दिए जाने के बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चंबल चेक पोस्ट पर तैनात हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम को गोवर्धन की परिक्रमा कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक कार सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिस हादसे में चाय पीने जा रहा राहगीर मुंशी पुत्र खरगा सहित 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। शुक्रवार को शाम को एक कार एक्सीडेंट हुआ था सागरपाड़ा चेक पोस्ट के पास में, जिसमें मुंशी सोनव खरगा घायल हो गया था, जिसको परिजन इलाज हेतु ले गए थे। उसकी रास्ते में मौत हो गई थी, उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा कर सुबह पोस्टमार्टम करा दिया है। पोस्टमार्टम करा के लाश सुपुर्द परिजनों को कर दी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।